नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बॉर्डर डिज़ाइन लाई हूँ। ये बॉर्डर सिंगल रिब में है, यानी कि एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। इसे बनाने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक फंदे डाल लें। बॉर्डर बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बॉर्डर बनाते हैं। तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, दूसरा फंदा हमें सीधा बुनना है। तो जब हम सीधा फंदा बुनते हैं तो इसे सामने की तरफ से सिलाई डालते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में, इस बॉर्डर में हम सिलाई पीछे की तरफ से डालेंगे, ऐसे बैक लूप से। ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप, तो हम सिलाई बैक लूप में डालेंगे, यानी पीछे की तरफ से। और जब हम सीधा बुनते हैं तो थ्रेड को नीचे से ऊपर ले आते हैं, लेकिन इसमें हमें ऊपर से नीचे ले जाना है। बुन लिया, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अगला फंदा हमें सीधा बुनना है, लेकिन सामने की तरफ से ना बुन के हम सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे डालेंगे। देखिए, ये जो है ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है, तो हम पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे। तो पीछे की तरफ से सिलाई डाला, और जब हम सीधा फंदा बुनते हैं तो ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे थ्रेड को घुमाते हैं, लेकिन इसमें हमें ऊपर की तरफ से ऐसे घुमाना होगा। ये हमारा थ्रेड है, सिलाई के ऊपर से हम थ्रेड को ले जाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो सीधा फंदा बन गया, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा है, जिसे हम नॉर्मली जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। अब उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा है, तो सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से डालेंगे। हमें सामने की तरफ से नहीं डालना है, बल्कि पीछे की तरफ से डालना है, और थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाना है। बुन लिया, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा। अगले फंदे को हम बैक लूप से बुनेंगे, थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाएंगे। अगला फंदा उल्टा, एक फंदा हमें सीधा बुनना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। जैसे सिंगल रिब में हम बुनते हैं, वैसे ही एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, बस थोड़े से चेंज के साथ। सीधे वाले फंदे को हम बैक लूप से बुनेंगे और थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाएंगे। उल्टा फंदा हम नॉर्मली बुनेंगे जैसे बुनते हैं, बस सीधे वाले फंदे में हम थोड़े से चेंज कर रहे हैं। इसे बुनने के लिए हम सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे डालेंगे। देखिए, पीछे की तरफ हम ऐसे डालेंगे और थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाएंगे। बुन लिया, अगला फंदा उल्टा, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, तो इसे हम बैक लूप से बुनेंगे और थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाएंगे। अगला फंदा उल्टा, तो इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहला फंदा उल्टा है, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा है, तो इसे हम बैक लूप से और ऊपर से नीचे ले जाएंगे। अगला फंदा उल्टा, जिसे हम नॉर्मली जैसा बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। अब देखिए, अगला फंदा सीधा है, तो इसे हम बैक लूप से बुनेंगे। देखिए, हमारे फंदे ऐसे घूम जा रहे हैं। जब थोड़ा बन जाएगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अभी ये दूसरा लाइन है तो उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा बुन के आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड से ये एक ही जैसे बुना जाएगा। सीधे फंदे को हमें बैक लूप से बुनना है और थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाना है। उल्टा फंदा हमें नॉर्मली बुनना है, सीधे वाले फंदे को हमें बैक लूप से बुनना है और थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाना है। इन्हीं दोनों फंदों को हमें दोहराना है, फ्रंट की तरफ से भी और बैक साइड से भी।
दो फंदे का और एक ही लाइन का डिज़ाइन है। इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। मैं थोड़ा सा बुन के आपको दिखाती हूँ। तो ये बॉर्डर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे पे ही बेस्ड है, लेकिन हमने सीधे फंदे में दो चेंजेस किया है। एक तो हम बैक लूप से बुन रहे हैं और धागे को ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि फंदा, देखिए ये फंदा हमारा घूम जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये हमारा फैलेगा नहीं, वापस अपने जगह आ जाएगा। तो यदि आपका हाथ बहुत ढीला भी चलता हो तो भी बॉर्डर ढीला नहीं पड़ेगा। तो आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार अपने नॉर्मल बॉर्डर की जगह इस बॉर्डर का इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा बॉर्डर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।